ध्यान से लेगा। आज यहाँ पर हिजबुल के कमांडर नसरुल्ला की कहीं ना कहीं जो मृत्यु हुई है उसको लेकर शोक गमी मनाई जा रही है, क्या कहेंगे? उसको लेकर कौम जो है गम मना रही है, इसीलिए जो है 3 दिन का शोक रखा गया है। तमाम दुकानें भी बंद रखी गई हैं, काले झंडे लगते गए हैं। अब वही जो है मार्केट बंद करके रखी है 3 दिन तक, कल बंद किया, आज का मालूम नहीं। उसमें सब थोड़े बहुत मिली जुली हुई सरकार है, मतलब आम जनता की तरफ ये हो रहा है, किसी की तरफ से आदेश नहीं है। या आप लोग जो है उसको जिसको मना रहे शोक मना रहे, शोक में काले झंडे भी लगाए गए हैं, तमाम जगहों पर गमी देखी जा रही है। हाँ, गम महसूस करा जा रहा है, गम मना रहे लोग, शोक इसे कहते हैं। और 3 दिन तक से मार्केट बंद रहेगी। सर, हिजबुल्ला के कमांडर नसरुल्ला हसन की शहादत को लेकर लखनऊ में दुकानें बंद की गई हैं, शहादत को लेकर 3 दिनों तक कहीं ना कहीं मातम मनाने को लेकर फरमान जारी हुआ, आप क्या सोचते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हम सबसे पहले ये कहना चाहेंगे कि पूरी दुनिया का जो शिया है, मुसलमान है, ज़्यादातर सब फॉलो करते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तमाम बातों को, अच्छी बातों को। तो जो भी हुसैनी होगा वो पूरी दुनिया में कहीं भी हो वो आतंकवादी नहीं होगा, आतंकवाद से उनका कोई ताल्लुक नहीं होगा। और आप देख सकते हैं, तहकीक कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं कि पूरी दुनिया में जहां भी इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, उन्होंने कभी ना तो कहीं ब्लास्ट किया है, ना किसी मस्जिद में घुस करके किसी को मारा है, ना किसी धार्मिक जगह में घुस करके किसी को मारा है, कभी नहीं। बल्कि खुद गोलियाँ खाई हैं, खुद बमों से उड़े हैं, खुद शहीद हुए हैं। सबसे पहली मिसाल ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में इंसानियत के लिए कुर्बानी दी थी, और आपकी गोद में 6 महीने का बच्चा भी शहीद हुआ हो, तो उस वाक़े को भी हम लोग नज़र में रखते हैं कि क्या है, वो बच्चा किसी भी कौम का हो वो बच्चा मासूम होता है, किसी बच्चों की जान नहीं ली जाती है। सैयद हसन नसरुल्ला एक आलिम दीन थे, और उनके बहुत ज़्यादा वहाँ पर एजुकेशन पर भी काम रहे, लोगों की मदद के लिए भी काम रहे। अगर कोई शख्स अपने मुल्क के लिए, अपनी आज़ादी के लिए अगर आवाज़ बुलंद कर रहा है तो ये आतंकवाद नहीं होता है, हर एक को अपना हक है कहने का। बस बात को मैं ख़त्म करना चाहूँगा कि अक़वामे मुत्तहिदा और तमाम जो सुपर पावर हैं उनको इसमें दखल अंदाजी करके इसको झगड़े को, इस फसाद को ख़त्म करना चाहिए, ताकि दुनिया के अंदर अमन और सुकून रहे, दुनिया यही चाहती है। सब लखनऊ में भी कल रात मातम मनाया गया, आज तमाम दुकानें बंद की गई हैं, पोस्टर लगाकर इसे गमी के तौर पे देखा जा रहा है, काले झंडे भी लगाए गए हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? एक तो कहना ये चाहूंगा कि सबको तकलीफ है उनकी शहादत की, और दूसरी तकलीफ इस बात की भी है कि ये इल्जाम लगाया जा रहा है बार बार कि वो आतंकवादी थे, नहीं बल्कि वो आतंकवादी नहीं थे, एक सच्चे और अच्छे इंसान भी थे, आलिम दीन भी थे, पढ़े लिखे थे। और यही नहीं बल्कि आप लेबनान में चले जाइए, वहाँ भी मुख्तलिफ धर्म है, मुख्तलिफ धर्म के लोग उनको दिल से चाहते थे, मोहब्बत के साथ चाहते थे। अगर वो एक आतंकवादी होते तो कोई दूसरे मजहब का कोई उनको पसंद नहीं करता। सर, 3 दिनों तक शौक है, क्या आगे भी इसको बढ़ाया जाएगा या 3 दिनों तक ही रहेगा? देखिए, हर धर्म में एक शौक होता है, कहीं 40वां होता है, 50वां होता है, 16वां होता है, वैसे ही हर धर्म में 40वां भी होता है। आगे 40वें में कहाँ, किस तरीके से कौन उनका गम मनाएगा, ये भी नहीं कहा जा सकता। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।